अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? सब कह रहे होंगे। भाई सिलसिला ऐसा है कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपर नीलम वैली पे। इस वक्त मैं आया हूँ यहाँ अपनी फैमिली के साथ। एक साल पहले आया था मैं अपने दोस्तों के साथ। उस टाइम मैंने प्लान किया था बबून वैली जाने का, मगर वो बारिश की वजह से और मौसम ख़राबी की वजह से जा नहीं पाया। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 9 और मैंने प्लान किया है बबून वैली के लिए। सूरज निकला हुआ, हमने सोचा था सुबह फैसला करेंगे कि मौसम देख के। तो अभी हमारे ड्राइवर ने बोला कि मौसम साफ है, हम लोग जा सकते हैं। तो ये जो है गाइड आप देखेंगे बबून वैली की अपर नीलम से, तो सारा रास्ता जो है फिर मैं आपको बताता रहूँगा कितना खर्चा है, क्या सब चीज़ें। आइए तो भाई, ये हमारे अब्दुल वहीद भाई और बबून वैली जा रहे हैं। हम इनके साथ कह रहे हैं कि 3-3.5 घंटे तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह। मौसम कैसा है, साफ है आज? मौसम आज साफ है इंशाल्लाह, तो दर्जा रहा तकरीबन माइनस में होगा। तो बस साफ नहीं कर रहा है ना, माइनस में है भाई, माइनस में। भाई आगे रोड बन रहा है और रोड बनने के चक्कर में थोड़ा सा जो है हम लोग रुके हैं। 5 मिनट का ब्रेक है समझ, तो रोड आगे खुलेगा तो फिर हम चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह पाक का। कितना दूर है क्या बबून यहाँ से? बबून 2 घंटे का सफर है यहाँ से आगे। मजीद कारका गांव से बबून तक 2 घंटे का सफर है। अब आगे वो नहीं आना, बाजार बाजार नहीं आना, बाजार वगैरह आएगा छोटा मोटा। छोटा मोटा आए तो भाई कह रहे हैं कि यहीं से जितना सामान लेना ले लो। रूट में जो चीज़ आपने लेनी है यहाँ से ले लेना, आपको मुनासिब भी मिलेगी इंशाल्लाह और अच्छी भी मिलेगी। नाम है मेरा, कौन सा बाजार है ये? कारका गाँव। कारका गाँव मार्केट में डिस्काउंट हासिल करें। खटड़ मार्केट है ये, खटड़ मार्केट ये ऊपर देख सकते हैं आप। तो भाई ये दुकान पे हम लोग रुके हैं, पानी और थोड़ा सा बबल शबल और टॉफी ले रहे, रास्ते में खाते हुए जाएंगे। 2 घंटे का रास्ता अभी मजीद बाकी है। सही है, तो जनाब ये कारका गांव है, व्यू थोड़ा खूबसूरत लग रहा था तो रुक गए और व्यू चेक करें जरा आप। आइए चेक करें व्यू, खूबसूरत। जब तकरीबन 1.5 घंटे के सफर के बाद हम लोग रुके हैं इस खूबसूरत गांव में। यार इतना खूबसूरत गांव है, दुमेल इसका नाम है, और मेरा तो दिल नहीं चाह रहा है यहाँ से जाने का लिटरली, मगर ऊपर बबून टॉप पहुँचना है। अगर बारिश हो जाती है ना तो बड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि ऊपर नहीं जा पाते। तो जितना एज सून एज पॉसिबल हम जाएँ ऊपर और वापस आएँ। यहाँ पे वापसी में रुकेंगे इंशाल्लाह आधा एक घंटा। तो अभी जो है गाड़ी को थोड़ा सा ठंडा करना है, क्योंकि चढ़ाइयाँ होती है ना तो थोड़ी गाड़ी गर्म हो जाती है। तो ड्राइवर ने 5-10 मिनट का ब्रेक मांगा है, उसके बाद हम लोग जाएँगे कहाँ? बबून टॉप। फाइनली बबून वैली हम लोग पहुंच चुके हैं। बड़ा ठंडा और प्यारा मौसम हो रहा है, जैकेट वैकेट भी पहननी पड़ गई है। ड्रोन मैं रेडी कर रहा हूं, इससे पहले कि बारिश हो हम लोग ड्रोन शॉट्स ले लेते हैं। तो आप लोग भी मुलाहिजा करिए ड्रोन शॉट्स। भाई एक मन मुर्गी लेके आया हूँ और यहाँ से मेरे हाल में 300 किराया 1000 रुपया लिया। जब आप इतनी ऊपर इन जगहों पे आते ना, इस वक्त मैं 13,200 फीट की बुलंदी में हूँ। अब मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो ऐसे लोग जो मतलब आपको
ये चीज़ें बेच रहे हो, जैसे चिकन हो गई, पुलाव हो गया, छोटी मोटी चीज़ें हो गई, आपको डबल रेट पे दे रहे होते हैं, मुझे पता है। तो अभी ये जैसे रोटी की रेट जो उसने मुझे बताया 100 रुपये बताया, ये चीज़ जो है नीचे मैंने 40 में खाई थी, मगर कोई बात नहीं यार, 50-100 से हमारा क्या हो जाना है, उन बेचारों का भला हो जाएगा, तो उस चीज़ का ख्याल रख लिया करें, इन लोगों से एटलीस्ट बार्गेन ना किया करें प्लीज़। तहिर भाई, भाई ये हमारे जीप के ड्राइवर हैं, ये हमें यहाँ तक लेकर आए हैं, पहले दुमेल पे हम लोग रुके, उसके बाद यहाँ बबून टॉप पहुँचे। तो यार तहिर भाई ये बताएं, बबून टॉप इसकी हिस्ट्री वगैरह क्या है, कितने साल पहले ये जगह डिस्कवर हुई है और क्या सीन है, अगर थोड़ा सा बताएं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया भाई। ये तकरीबन ये हमारे जो आबाओ अजदाद हैं उनसे लेके आज तक ये बबून थी, ये हमारी डॉग होती है, हमारी देसी ज़बान में इसको डॉग बोलते हैं हम। सही है। ये ऊपर मेडोज होती है ना, जहाँ ये लोग अभी इधर माल मवेशी लेके आए, आपने देखे भी होंगे, ठीक है ना। ये डिस्कवर हुई है ये पाक आर्मी के टाउन से हुई है, कि आर्मी ने ये रोड निकाली है, तो पहले नीचे कारके तक रोड थी, जहाँ आपको पहले फर्स्ट वो नहीं कारके तक, वो नीचे वहाँ तक था, तो वहाँ से फिर आगे आर्मी वाले ने रोड निकाली है, तो ये दोनों साइड कनेक्ट होती है। ये 13,000 तकरीबन 300 की हाइट पे है ये बबून वैली, और आप यहाँ से जाके जागराम वैली भी कर सकते हैं। अच्छा भाई ये बता रहे, पीछे से अगर हम जाएंगे तो जागराम वैली और एक और वाटरफॉल, वाटरफॉल कौन सी है, कोटन वाटरफॉल, और कोटन वाटरफॉल वगैरह, मतलब आपको बैक साइड से निकल जाएंगे जो हम अभी करते हुए आ रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि यार ये बड़ा अच्छा एक टूरिस्ट पॉइंट बन चुका है मेरे ख्याल से, यहाँ पे काफी फैसिलिटीज आ चुकी है, काफी सारे टूरिस्ट आए हुए हैं, कैंप्स वगैरह लगे हुए, तो अभी ये सीजन की वजह से इतना ही क्या क्या चक्कर है इसका, इतना अभी बढ़ गया है, लोगों को पता चलना शुरू हो गई है। तकरीबन 3 से 3.5 माह का हमारा सीजन होता है ये वाला। अच्छा। क्योंकि ये हाइट है, अभी बारिश लग जाए तो बर्फ के ज्यादा चांस है यहाँ पे, तो इसलिए ये 3.5 माह के टूरिस्ट हम कोशिश करते हैं कि उनको सही फैसिलिटेट करें। तो आप ये बात इनकी बिल्कुल सही है कि मैं पिछली दफा भी आया था तो बारिश की वजह से भाई ड्राइवर ने मना कर दिया था कि नहीं जा सकते, क्योंकि भाई नीचे बारिश हो गई और यहाँ तो बारिश होती ही रहती है, अभी बारिश स्टार्ट हो गई है और बारिश होते होते वो कब बर्फबारी होती है पता नहीं लगता, तो ड्राइवर लोग एहतियात करते हैं क्योंकि रास्ता आपने देखा कितना खतरनाक है और ये सारी चीजें। और भाई ये बताएं ये रास्ते के मतलब जीप का फेयर कितना है, अगर वहाँ से केरन से आते हैं, केरन से केरन से आएंगे तो आप पूरा दिन गाड़ी हायर कर सकते हैं, सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक, तो उसका किराया हमने कम से कम 9-10 हज़ार के दरमियान। अगर आप लोग 8-9 लोग हैं तो 1,000 रुपये मुश्किल से पर हेड आता है, ठीक है, आराम से इसमें जो है 8-9 लोग मजे से आ जाते हैं। छत वाली भी इनके पास सिस्टम है, अगर छत पर बैठ के आना चाहे तो काफी लोग छत पर बैठ के आते हैं मैट्रेस लगा के, मगर रास्ता थोड़ा रिस्की है तो हम लोग ये सजेस्ट नहीं करेंगे। जो भी आना चाहता है इनसे कॉन्टेक्ट कर ले, पूरा कश्मीर घुमा देंगे आपको ये अपनी जीप पे, और बस यही बाकी, मुलाकात करते हैं फिर इंशाल्लाह। ये था मेरा सफर बबून वैली का, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।